आधा प्याज इसमें लेकर बस ऐसे करना है और ये तैयार हो गया। आलू मैश कर दिए, जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया और वो जो प्याज मिक्स किया था उसको भी इसमें मिला दिया। अब इसमें मल्टीग्रेन के लिए थोड़ा सा मक्की का आटा, थोड़ा सा पोहा, थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा गेहूं का आटा, थोड़ा सा बेसन, मसालों में अजवाइन, थोड़ा सा धनिया, जीरा, मेथी, मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा नमक। इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो इसमें सबसे ज्यादा गेहूं का आटा ही डालना चाहिए, दूसरे आटा ज्यादा करने से टेस्ट अजीब सा हो जाएगा, हार्ड हो जाएंगे ये। मैंने गेहूं का आटा और डाल दिया, थोड़ा सा देसी घी। अब इसमें ये जो मिश्रण हमने तैयार किया था, आलू प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट वाला, ये इसमें मिक्स हो जाएगा। थोड़ी कसूरी मेथी, अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। मिक्स होने के बाद इसको पानी के साथ गूंथ लेंगे, जितना जितना पानी चाहिए उतना डालते जाएंगे और गूंथते जाएंगे। इसमें आलू है तो पानी एकदम ना डालें, और प्याज भी नमक की वजह से अपना रस छोड़ेगा, तो इसलिए पहले इसको थोड़ा टाइट ही रखना है और जितनी ज़रूरत हो उतना पानी डालना है। अगर ये फ्रिज में रखना है तो थोड़ा सा टाइट ही गूंथ के रख दें। ताज़ा बनाना है तो जिस तरीके से हम रोटी पराठे का आटा बनाते हैं उतना इसका डो तैयार किया जा सकता है। कुछ देर इस आटे को रखने के बाद अगर जरूरत हो तो पानी थोड़ा सा डाला जा सकता है, वैसे जरूरत होती नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती इसमें पानी डालने की, ये एकदम रेडी होता है। गैस पर मैंने तवा रखा हुआ था, जब तक ये सिकेगा तब तक हम दूसरे को बेल लेते हैं। साइज इसका अपने हिसाब से छोटा बड़ा किया जा सकता है, शेप अपने हिसाब से इसकी चेंज की जा सकती है। दूसरी बात, सूखा आटा लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा मोयन डाला है, मोयन मतलब जो हमने देसी घी ऐड किया था। अभी ये पलट नहीं रहा है, चिपका हुआ इस पे, तो इसको इससे देखते हैं, अभी कलर नहीं आया है, अब इसको पलट देते हैं, हल्का सा देसी घी लगाते हैं। अब ये सिक गया, इसको उतारते हैं और बनाते हैं। इस एक चम्मच घी से मैंने चार पराठे बनाए हैं, क्योंकि मेरा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और कोरोना की वजह से मुझे परहेज का खाना खाना है, लेकिन अगर किसी को और अच्छी टेस्टी इसकी डिश बना के खानी है मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। कढ़ाई का तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक छोटी लोई लेंगे इस बार, इसमें घी लगाएंगे और हल्के हाथ से बेल लेंगे, एक और बनाते हैं। कभी कभी पूरी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे अपने कोलेस्ट्रॉल की वजह से थोड़ा डाइट भी कंट्रोल करना होता है, और भास्कर जिम करता है इसलिए वो ये सब चीज़ें थोड़ा सा अवॉइड करता है, पसंद तो ये सबको होती हैं। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम इसको डालते हैं, बीच में से थोड़ा दबाना पड़ेगा कच्ची ना रह जाए, क्योंकि इसमें बहुत तरह के आटे मिक्स हैं जिनको पकने में अलग अलग टाइम लगता है और हम उनको एक साथ पका रहे हैं। जैसे जैसे सिकनी शुरू हुई है बहुत मामूली सी फूलनी शुरू हो गई है, और इवन ये मठरी जैसी लग रही है। अब दूसरी डालते हैं, गैस को तेज कर देते हैं, जैसे किनारे लाल होने शुरू हो जाते हैं तो इसको पलटा मारना सही रहता है। थोड़ी थोड़ी अपने आप फूल रही है, कढ़ाई अगर मोटी हो तो गैस को थोड़ा पहले बंद कर देना चाहिए, क्योंकि बाद में तेल जलता रहता है और जला हुआ तेल बार बार यूज़ करना भी ठीक नहीं रहता है। ये इस तरीके से इसकी पूरी भी बना सकते हैं। अब ये चारों पराठे और दोनों पूरी को हम टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। मल्टी ग्रेन विद वेजिटेबल्स पराठा और पूरी दोनों तैयार है। इसको खाने के लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कभी भी इसको खा सकते हैं।